फरवरी में प्लांट लगाएंगे तो उनमें ये काम आएगा। ये है दोस्तों हमारा चप्पल कद्दू, अभी चप्पल कद्दू के फ्लावर भी आना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पे देखोगे तो मेरे टमाटो के प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग आनी शुरू हो रही है और आप देख सकते हो। और यहाँ पे है दोस्तों हमारा गोबर में लगा हुआ, और ये है दोस्तों हमारे बैंगन का प्लांट जिसके ऊपर हमारी फ्लावरिंग आनी शुरू। यहाँ पे देखोगे तो दोस्तों हमारी शलगम हमारी काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हो चुके हैं और तो काफ़ी हेल्दी है। अभी तो इसको टाइम लगेगा, कम से कम महीना सवा महीना हमें वेट करना पड़ेगा गाजर। और यहाँ पे हमारी ओकरा काफ़ी बड़ी हो चुकी है। फाइनली आज के नए व्लॉग में आपका स्वागत। तो फाइनली दोस्तों आज मैं बहुत ही लेट आया हूँ, अभी टाइम हो चुका है 10:30-11 के आसपास, और अभी मैं टेरिस पे आया हूँ। आज मैं बताता हूँ आपको मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो पत्ते काफ़ी सारे गिरे हुए हैं जो कि मैंने अभी गिरे हैं। यहाँ पे जो घिया की बेल थी उनकी मैंने सारी छंगाई की है आज। वो किस लिए की है, क्योंकि दोस्तों इन पत्तों के ऊपर ना काफ़ी सारे जो ये हो जाते हैं माइट्स वगैरह आते हैं, तो इनकी जो लेयर सी बन जाती है एक हर पत्तों के ऊपर, तो ये बन रहे थे। जितने भी पत्तों के ऊपर बन रहे थे ना वो मैंने सारे के सारे यहाँ से हटा दिए, और फाइनली मैंने ऊपर की छोड़ दिया। अब यहाँ से जितनी भी ऊपर बढ़ेगी वो ऊपर के पत्ते ऊपर ही चढ़ेंगे और नीचे हमारा कोई भी पत्ता नहीं रहने वाला। तो फाइनली आप देख सकते हो घिया भी काफ़ी ठीक ठाक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो टूटे खराब घिए थे जिनका पोलिनेशन मैं नहीं कर पाया था उनको भी मैंने तोड़ दिया यहाँ पे। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे, और एक मेरा ये घिया ख़राब भी हो गया था जिसमें कीड़ा लग गया था, तो मैंने ये भी हटा दिया। दोस्तों अगर किसी घिए को कीड़ा लग जाता है तो आप तुरंत उसको हटा दो, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ प्लांट की एनर्जी को चूसेगा और कुछ नहीं करने वाला। तो फाइनली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो पेठे का प्लांट है इसके ऊपर भी एक मेरा फीमेल फ्लावर आना शुरू हो चुके हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो कहाँ पर है भाई, ये रहा। तो यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा फीमेल फ्लावर भी आना शुरू हो चुके हैं। तो फाइनली पहला फीमेल फ्लावर आया, पहले एक आया था वो गिर गया था, तो अभी सेकेंड फ्लावर आया। अब इसको फ्लावर को निकलते ही मैं इसको सबसे पहले पोलिनेट कर दूँगा ताकि ये खीरा हमारा बन सके। और जो ये पत्ते पड़े हैं इनकी पत्तों की बना लेंगे सुखा के खाद, जो कि हमारे जो फरवरी में प्लांट लगाएंगे तो उनमें ये काम आएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो दोस्तों हमारा बैंगन का प्लांट छोटा सा, और यहाँ पे भी हमारी छोटी सी फ्लावरिंग शुरू होने को आ गई है। तो आप देख सकते हो हेल्दी प्लांट है, कोई भी इसके अंदर अभी तो दिक्कत वगैरह नहीं आ रही, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो दोस्तों मेरा सबसे फेवरेट जो प्लांट है दोस्तों पपीता, और पपीते के ऊपर फल काफ़ी बड़ा हो चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो ये देखो काफ़ी बड़ा हो रहा है, अगर आपको शायद दिख रहा हो तो, और इधर देखोगे तो इधर भी काफ़ी। तो फ्रूटिंग भी अभी शुरू हो जाएगी 2-3 महीने बाद ऑटोमेटिक। तो फाइनली ये अपडेट थी, और मैं उठा लेता हूँ आज एक कैंची, आज हम थोड़ी सी हार्वेस्टिंग भी कर लेते हैं यार, जो कि मैं यहाँ पे तोरी करने वाला हूँ। तो मैं इस तोरी को पकड़ता हूँ यहाँ से और यहाँ से कट कर लेता हूँ। तो मैंने एक तोरी ये ले ली, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। तो दोस्तों आज तोरी भी हार्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो फाइनली अच्छी लगे तो यार कॉमेंट्स में बताना कैसी लगी है। तो एक तोरी मेरी ये लगी हुई है, तो मैं इसको भी हार्वेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने एक तोरी ये तोड़ ली, तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ एक बार। फिर अब एक तोरी ये वाली और एक तोरी मैंने ये हार्वेस्ट कर ली। तो दोस्तों फाइनली आज मैंने जो हार्वेस्ट की है वो 3 तोरियाँ की है, तो आप देख सकते हो 1, 2 और 3 थोड़ी है लेकिन संतुष्टि है भाई कि हार्वेस्ट तो किया। और काफ़ी नए प्लांट्स के ऊपर भी हमारी नई नई तोरियाँ बननी शुरू हो रही हैं। तो आप ये देखोगे यहाँ पर, इधर देखोगे तो यहाँ पर आ रही है, और इधर देखोगे तो हमारी यहाँ पे आनी शुरू हो रही है। तो ये तोरी के प्लांट है। ये है दोस्तों हमारा चप्पल कद्दू, अभी चप्पल कद्दू के फ्लावर भी आना शुरू हो चुका है हमारा, वो देखेंगे कब तक फ्लावर बनेगा या फ्रूट बनेगा हमारा इसका। तो यहाँ पे बैंगन का प्लांट भी लगा हुआ है और ये चप्पल कद्दू हमारा लगा हुआ। दोस्तों कॉमेंट्स में बताना कि आपको कि मेरी के प्लांट्स की ग्रोथ कैसी लग रही है। और यहाँ पे लगा हुआ है करेला, करेले के थोड़े से पत्ते पीले हो रहे हैं क्योंकि पानी ओवर हो गया है इसमें। दोस्तों आप करेला लगाते हो ना तो पानी ओवर मत करना बिल्कुल भी, और सिंपल रखना प्लेन, हल्का सूखा हल्का गीला, ताकि पत्तियाँ वगैरह इसकी पीली वगैरह ना पड़े। तो मैं इसमें से छटाई भी कर दूंगा क्योंकि करेले को जगह चाहिए चलने के लिए, जैसे ये चल रहा है अभी करेला मेरा। और यहाँ पे देखोगे तो मेरे टमाटो के प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग आनी शुरू हो रही है और फ्लावर्स खुल रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये टमाटो का प्लांट है और एक प्लांट मेरा ये रहा टमाटो का, इस पर भी फ्लावर आ रहे हैं। तो अब मैं इसको क्या करूँगा दोस्तों, इसको ना हैंग कर दूँगा ताकि ये कहीं पर सपोर्ट मिल जाए इसको, और ये खड़ा होकर आराम से
चल सके। और यहाँ पे देखोगे तो दोस्तों हमारे आलू बताना दोस्तों मेरा आलू कैसा है, भरा भरा हरा और पूरा घना हो चुका है ये। और यहाँ पे ये लगा हुआ है दोस्तों मेरा केले का प्लांट, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी हेल्दी है। नीचे से तना काफ़ी मोटा हो चुका है और आप देख सकते हो। और यहाँ पे है दोस्तों हमारा गोबर में लगा हुआ टमाटो का प्लांट, जो कि मैंने अभी पीछे वीडियो डाली थी, आपको सिखाया था कि गोबर के अंदर आप प्लांट कैसे लगा सकते हो। और प्लांट देख सकते हो आप, नई लीव्स आनी शुरू हो चुकी है इसकी, और अभी 2-3 दिन ही हुए हैं इसको लगाए हुए, और आप देखो कितना हेल्दी प्लांट है। कोई भी डिजीज़ वगैरह या कोई भी दिक्कत अभी इस प्लांट के अंदर नहीं दिखने को मिल रही हमें। और यहाँ पे आते हैं तो दोस्तों मेरा है बैंगन का प्लांट, जो कि वाइट बैंगन है, और आप बैंगन का फूल देख सकते हो, प्योर वाइट फूल आए हुए इसके अंदर, और काफ़ी हेल्दी है। इसमें यहाँ पे फ्लावर भी आए हुए हैं और छोटे से कंटेनर के अंदर है दोस्तों। अगर आप भी लगाना चाहते हो तो इस तरह आप लगा सकते हो। एक फूल यहाँ पे भी आए हुए हैं, तो ये देखो खिल रहा है, तो काफ़ी फ्लावर्स आने शुरू हो चुके हैं इसके अंदर। अगर दोस्तों आप लगाना चाहते हो तो लगाओ यार, पौधे बहुत बढ़िया तरीके से। फरवरी में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टेरिस गार्डनिंग दोबारा से, नए तरीके से, नई हर चीज़ आपको मैं सिखाता जाऊँगा कि गोबर की खाद से लेकर के आपको प्लांट कैसे, सीडलिंग कैसे करनी है, सभी चीज़ की नॉलेज आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिल जाए। तो यहाँ पे लगी हुई है दोस्तों हमारी ब्रोकली, तो आप ये देख सकते हो कैसे हेल्दी प्लांट हमारे अभी चल रहे हैं। यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों हमारा गेंदा, गेंदा अभी फ्लावरिंग पे आ चुका है। और इधर दिखाऊँ तो हमारी ये थोड़ी सी धनिया, जो काफ़ी कुछ ठीक है कुछ ख़राब है, कोई भी बात नहीं। और ये है दोस्तों हमारे बैंगन का प्लांट, जिसके ऊपर हमारी फ्लावरिंग आनी शुरू हो चुकी है। उधर देखोगे तो वहाँ पे भी फ्लावर आ रहे हैं। छोटा सा प्लांट है और हेल्दी है, कोई भी दिक्कत अभी इसके अंदर नहीं आ रही। और यहाँ पे देखोगे तो दोस्तों हमारी शलगम हमारी काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हो चुके हैं, और रेडिश लाइनें जो बननी थी वो भी बननी शुरू हो चुकी हैं इसके अंदर। इधर लगी हुई है दोस्तों हमारी गाजर देखोगे तो काफ़ी हेल्दी है। अभी तो इसको टाइम लगेगा, कम से कम महीना सवा महीना हमें वेट करना पड़ेगा गाजर के लिए। और यहाँ पर लगी हुई है दोस्तों हमारी मूली, तो मूली अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर इस टाइप से हमारी निकलनी स्टार्ट। और इधर लगी हुई है दोस्तों हमारी पबरी के जितने भी सीड वगैरह होते हैं मैं तोड़ के फेंक देता हूँ, और आप देख सकते हो कितनी घनी हो चुकी है। पहले एक डंडी थी सिर्फ ये, और अब देखो कितना हरा भरा है। अभी इसको एक महीना भी नहीं हुआ मुझे लगाए हुए, और आप देख सकते हो। और इधर लगे हुए तो कुछ हमारे बैंगन के प्लांट, और यहाँ पर देखोगे तो हमारी पुदीना की ग्रोथ भी अच्छी है। मैंने 2-4 कलम ला के मैंने लगा दी थी इसके अंदर, और यहाँ पे लाल चला इसको तो हटानी है। और यहाँ पे देखोगे तो हमारे टमाटो के प्लांट काफ़ी सारे उग चुके हैं भाई इसके अंदर। और ये प्लांट हमने जब वो गोबर की खाद में लगाया था, वो उसका सेकंड ब्रांच थी ये, और यहाँ पे देखो कितनी अच्छे से ग्रो किया। यहाँ पे हमारे बैंगन का प्लांट और काफ़ी अच्छा चल रहा है, ये नीचे भी फुटाव हमारा शुरू हो चुका है। और यहाँ पे देखोगे तो हमारी ओकरा काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और इधर देखोगे तो इधर भी, लेकिन इसके पत्ते थोड़े से जल रहे हैं, मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं है कि क्यों जल रहे हैं, कि इसलिए ठंड करके होंगे ये। और यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों हमारा गेंदा येलो, और काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे रेड गेंदा, जो कि मैरून सी शेड के अंदर आया हुआ है। और इधर देखोगे तो दोस्तों हमारी गोभी हमारी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और अगर आप ये ऐसी सब्जी उगाना चाहते हो तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।